174-75 मजे ले रहे भाई से। 185 चार गियर लो, ये निकला। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और तगड़ा सा कंपैरिजन टेस्ट लेके आए हैं, जो कि है सबसे पहले सिंगल सिलेंडर हमारे पास RC390 जो कि 42.9 PS की पावर जनरेट करती है। दूसरी है हमारे पास GT भाई साहब जो कि 47 PS की पावर जनरेट करती है और जो कि दो सिलेंडर है। तो एक सिलेंडर, दो सिलेंडर और उसके बाद सीधे आते हैं हम चार सिलेंडर पे, जो कि हमारे पास है बेनाली TNT 600cc इनलाइन फोर सिलेंडर और ये प्रोड्यूस करती है भाई साहब 85 PS की पावर। तो इनका एक कंपैरिजन टेस्ट लेने वाले और देखने वाले हैं। इन दोनों का कंपैरिजन आपने इससे पहले देखा ही होगा, लेकिन इसका इनके साथ कंपैरिजन शायद ही देखा हो। तो हम इसको कंपेयर करने वाले हैं लोअर सेगमेंट से कि ये इनसे कितनी ज़्यादा फास्ट है। और लिटरली आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से पहले मैंने कभी भी ये वाली बेनाली राइड नहीं करी है, कभी भी इसको चलाया नहीं है, इसका एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। तो फर्स्ट राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा होने वाला है इस बेनाली पे और देखना चाहता हूँ कि इस बेनाली को, मतलब स्पीड में बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो इनलाइन फोर सिलेंडर और 600cc होने के बाद ये रोड पे कैसा परफॉर्म करती है। रियल में हमें ऐसा फील होता है कि ये 600cc है या छोटे सेगमेंट के टक्कर में ही ये बाइक है। तो सारी चीजें पता चलेंगी ड्रैग में, तो एक कंपैरिजन टेस्ट शुरू करते हैं जल्दी से। सो गाइस, फाइनल ड्रैग के लिए हमने बाइक्स को लगा दिया है और मैं चलाने जा रहा हूँ सबसे पहले बेनाली। अंकित चला रहा है रॉयल एनफील्ड GT और गौरव चलाएगा KTM RC। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। वैसे बहुत ज्यादा मैंने सुना है कि बेनाली 600 को लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे स्पीड के मैटर में। इसका साउंड तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल इनलाइन फोर सिलेंडर वाला बढ़िया सा प्यारा सा साउंड आता है, लेकिन जहां बात स्पीड की आती है लोग कहते हैं कि 600cc के हिसाब से ये परफॉर्म नहीं करती है। लेट्स सी, पहली बार राइड करने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि राइड नहीं की है, तो जैसा भी होगा क्या फील आता है 600cc का वो आपको मैं बताऊंगा। ये दो सिलेंडर लेके आए हैं इसको हराने के लिए सराऊ, और वो तो RC लेके ऐसा सोच रहे हैं अपने आप को, तो जैसे लग रहा है कि इनलाइन फोर सिलेंडर वालों हरा देंगे। चलो के लिए तो ये धुआं है। पेनली बहुत तेज निकल गई भाई, उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, बहुत तेज गई है भाई। अरे भाई साहब, इम्पॉसिबल है भाई उसे पकड़ना। GT निकल गई, GT। ओ भाई, भाई साहब 76 पे लिमिटर आया भाई। पेनली इतनी तेज निकली है यार, क्या बोलूं मैं कसम से भाई, बहुत तेज गई है, बहुत तेज भाई साहब। दो सौ इक्कीस गई गाइस, 221। अब जरा पीछे का हाल ले लेता हूँ, ये दोनों कहाँ रह गए। ओ भाई साहब, अरे ये गए, ज्यादा दूर नहीं थे, नहीं ज्यादा दूर थे लेकिन निकल गए। बड़े आए थे बेनाली से पंगा लेने। दोनों के दोनों हार गए भाई। हैं? हाँ। आप बिल्कुल रॉकेट की तरह निकल गए, हम लोग कहाँ पीछा कर पाएंगे? अच्छा, मुझे लगा दोनों अपने आप को सोच रहे हो कि दो सिलेंडर और वो सिंगल सिलेंडर किंग है तो इसको हरा देंगे। इसके साथ तुम लोग 300cc वाली जो आती थी ना उससे रेस करो, उससे ही जीतोगे। ठीक है, चार सिलेंडर है इसमें, चार सिलेंडर, दो HP के, दो भारत के।
समझे है? तुम लोग पहले तो अपने सिलेंडर इम्प्रूव करो। तुम वो जो ठेले पे भरते हैं सिलेंडर छोटा वाला, वो लेके आए हो भरवा के, बड़ा वाला सिलेंडर लगा। इसमें इसमें 6 गियर है। चलो देखते हैं कितने गियर में तुमको हम पकड़ पाते हैं। फिर से भगाओ जरा, मजा लेते हैं तुम्हारे साथ। चलो भगाओ। पहले गियर में कितना जाती है? 85। दूसरे गियर में 127। तीसरे गियर में 161। चौथे गियर में बस 4 गियर काफी है क्या? 185। जीटी को नहीं हरा पाओगी तो यार बेकार हो तुम। ये गई फाइनली भाई, 3 गियर में हारी जा रही जा भाई साहब फाइनली। लेकिन जीटी निकल रही है लिमिटर की वजह से, पांचवा गियर मारना पड़ेगा। पांचवे गियर में आने के बाद जीटी फुल चक्कर में। आरसी किधर है भाई? पांचवा गियर, निकलो निकलो, ये निकला, ये 174 75। मजे ले रहे भाई इससे। ओहो, अरे भाई काफी है इन लोगों के लिए, लेकिन पांचवे गियर का पूरा मजा हमने लिया है भाई। क्या बात है, आप साउंड सुनो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इन लोग से भी हार के कहीं बेइज्जती न करा दे, लेकिन नहीं, 221 टॉप स्पीड अचीव करी है भाई इसने, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ऐसे झूठी अफवाह मत फैलाओ 600 सीसी के हिसाब से। अब अगर तुम लोग CBR से कंपेयर कर रहे हो कि CBR जाती है 250, तो ये भी तो देखो, ये नेकेड है यार, है नेकेड है, वो स्पोर्ट है। पैसा देखो, ये सस्ते में मिलती है, वो महंगे में मिलती है। साउंड सुनो, क्या बात है, साउंड इनलाइन 4 वाला मिलता है, और क्या चाहिए लाइफ में यार तुमको, इतनी बढ़िया पावर मिल रही है। बट इसका जो RPM है वो ऐसा लगता है थोड़ा धीरे धीरे खींचता है, एकदम से वो पुल नहीं देती है, थोड़ा आराम से खींचती है फिर खींचती है एकदम दम लगा के। तो बढ़िया भाग तो रही है यार। ठंडी बहुत है गाइस, ठंडी बहुत है, हवा सरसरा के जा रही है अंदर बॉडी के, एकदम धुआंधार ठंडी है। अब गाड़ियों को रोकते हैं और देखते हैं लौंडो के रिएक्शन क्या है। वैसे तो राइडर स्विच करने की जरूरत ही नहीं थी इस बैटल में, क्योंकि रिजल्ट साफ थे। अरे ये लौंडे कहाँ रह गए? अबे तुम लोग आए क्यों नहीं? इंतजार करना पड़ेगा, 2 आवर्स लेटर वाला मीम डालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे लग रहा है, ये देखो आ रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आई RC 390 42.9 PS की पार, एकदम रोला जमाते हुए। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। अच्छा तुम तो नॉर्मली है, हमें लगा तुम भी यहाँ वीली उली मार दोगे। हाँ फुल टक्कर दी है। तो गाइस देखा, इन लोग को हराने के लिए सिर्फ 4 गियर ही काफी थे, पांचवा और छठा गियर भी डालने की जरूरत नहीं थी। अब एक काम करो, इसको रेस डायनेमिक्स ले जाओ नीतीश भैया के पास, वो इसका इंजन निकाल के उधर ही शिफ्ट कर देंगे, फिर लेके आओ, या तो इसका इंजन इधर शिफ्ट करवा लेना। सिलेंडर हुए ना भाई? हाँ तो पहले 3 सिलेंडर देखो का लेके आएंगे। हाँ एक तुम्हारी स्प्लेंडर जो घर पे खड़ी है वो लेके उसका इंजन रखवा लेना 100 सीसी वाला, ठीक है?
या तो सिर्फ उसी का रखवा लो, वो हरा देगी अकेले। उसमें फेयरिंग नहीं है ना, या तो जिसकी फेयरिंग लगवा उसमें है, वो तेज ज्यादा है, उसको रोक नहीं पाओगे तुम। सो गाइस यहाँ आपने देखा कि क्या रिजल्ट रहा है। वैसे बेनेली के बारे में जो भी अफवाहें थी आज वो दूर होती हुई नजर आई हमें। बिल्कुल बेनेली काफी अच्छी है, काफी फास्ट है। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वैसे 2.5R के साथ, बिकॉज इसमें स्पीडोमीटर एरर तो डेफिनेटली होने वाले हैं और बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो 2.5R के साथ कंपेयर कर सकते हैं, 4R के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वैसे 4R तो मुझे लगता है इसकी धुआं कर देगी, हालांकि उसमें 57 PS की पावर है, लेकिन वो काफी तेज है, वो उसकी टॉप स्पीड ज्यादा है, बिकॉज उसमें फेयरिंग है। इसमें फेयरिंग नहीं है, ये थोड़ा सा घाटा मिलता है। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।